वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा सख्ती से लागू होगा गोवध अधिनियम। सिवनी में गायों के शव मिलने की घटना पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि गौवध अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पिछले एक महीने में गौवंश अधिनियम के तहत 550 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और 7000 से ज्यादा गौवंश को बचाया गया। गौ हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड परीक्षा में 40% से कम परिणाम वाले स्कूल के शिक्षकों को दिए जाएंगे टिप्स। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 40% से कम परिणाम लाने वाले स्कूल के प्राचार्यों व शिक्षकों को टिप्स दिए जाएंगे। इसके लिए आज सोमवार को और शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्णय भी लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वायरल पेपर के नहीं थे प्रश्न, पीएससी ने दर्ज कराई शिकायत। प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह के बीच रविवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 हुई। प्रश्न पत्र आउट होने की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का दल परीक्षा केंद्रों पर पहुंचा। पहले सत्र में सामान्य ज्ञान का पर्चा हुआ। इसमें सदस्यों ने मॉक टेस्ट वाले प्रश्न पत्र और परीक्षा के प्रश्न पत्र का मिलान किया। दोनों ही अलग अलग पाए गए, एक भी प्रश्न का मिलान नहीं हो पाया। भोपाल साई सेंटर में खुलेगी पैरा जूडो एकेडमी, देश में पहली होगी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को एक और सौगात मिलने वाली है। भारतीय खेल प्राधिकरण के उद्धव दास मेहता भाईजी सेंट्रल सेंटर भोपाल में पैरा दिव्यांग जूडो एकेडमी खुलने की स्वीकृति मिली। ये देश की पहली पैरा जूडो एकेडमी होगी। इस एकेडमी में शुरुआती दिनों में 12 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण किया जाएगा जो देश के कोने कोने से होंगे। इसके प्रवेश के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जीजी फ्लाईओवर का कार्य सितंबर तक पूरा करने का मंत्री राकेश सिंह ने दिया अल्टीमेटम। एमपी नगर गणेश मंदिर से लेकर गायत्री मंदिर तक 148 करोड़ की लागत से बन रहे जीजी फ्लाईओवर का रविवार को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को अल्टीमेटम दिया कि हर हाल में फ्लाईओवर का काम सितंबर के अंत तक में पूरा हो जाना चाहिए। बजट को लेकर सोमवार को अधिकारी और महापौर करेंगे मंथन। संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी को लेकर आज सोमवार को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल परिषद की बैठक से पहले राजस्व विभाग के अफसर और महापौर मालती राय इस मुद्दे पर सोमवार को चर्चा करेंगे क्योंकि संभवतः 2 जुलाई को परिषद की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि अभी परिषद की बैठक को लेकर अधिकृत रूप से तारीख घोषित नहीं हुई। बिजली चोरी करने वालों की फोटो फेसबुक पर होगी पोस्ट। चंबल अंचल में बिजली चोरी रोकने के तमाम प्रयास नाकाफी रहने के बाद बिजली कंपनी अब सोशल मीडिया के माध्यम से बिजली चोरों को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। इसके तहत बिजली चोरी करने वालों के वीडियो फोटो फेसबुक व व्हाट्सएप पर वायरल किए जाएंगे। तिगरा में पानी लिफ्टिंग का टेंडर जारी पर खुलेगा नहीं। शहर की लाइफलाइन कहलाने वाले तिगरा बांध का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। जल संकट की स्थिति को देखते हुए आगामी 1 जुलाई से 2 दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की तैयारी की जा रही है। इस बीच गत 18 जून को जल संसाधन विभाग ने ककेटो से 1400 और पेहसारी बांध से 900 एमसीएफटी पानी लिफ्ट करने के टेंडर जारी कर दिए थे। ओपीडी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर रोज होगी निगरानी। जयरोग के चिकित्सालय की ओपीडी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर शिकंजा कसने हर दिन निगरानी का प्लान तैयार किया गया। इसकी शुरुआत शनिवार से संयुक्त संचालक व अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना ने की। डॉक्टर सक्सेना ने ऑर्थोपेडिक गायनिक चर्म रोग सर्जरी मनोरोग सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया। जीओ की अध्ययनशालाओं में आवेदन पूरे, पहली पसंद बने लॉ कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्स। जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं का प्रवेश आवेदन का सत्र पूरा हुआ। अब काउंसलिंग की शुरुआत 25 जून से होने जा रही है। 1909 सीटों पर 65 कोर्स में छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया। वहीं छात्रों के रुझान की बात करें तो स्नातक के लिए छात्रों ने विधि और मैनेजमेंट के कोर्स में जमकर रुझान दिखाया। 5 वर्ष तक चलेगी एनडीए सरकार, केंद्र राज्य मंत्री अठावले ने इंदौर में कहा। हमारी सरकार 5 वर्ष तक चलने वाली है, बार बार ये बताया जा रहा है कि सरकार नहीं चलेगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन वापस लेंगे, लेकिन कोई भी समर्थन वापस नहीं लेगा। पिछली सरकार में भी भाजपा को एनडीए का साथ मिला था। मेरा छोटा सा दल है, एक भी लोकसभा में सदस्य नहीं, फिर भी मुझे मौका मिला क्योंकि मेरी पार्टी सभी राज्यों में काम करती है।
भोपाल में बांग्लादेशी ने बनवा लिया पासपोर्ट, गृह मंत्रालय ने पकड़ा तो एएसआई को किया सस्पेंड। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार कड़ी निगरानी रख रहे हैं, वहीं राजधानी भोपाल पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बांग्लादेश का एक नागरिक भोपाल की एक मस्जिद में रहा करता था, उसने इसी एड्रेस पर अपना पासपोर्ट बनवाया और यहां से चला गया। खास बात यह है कि पुलिस अधिकारी ने रिश्वत के बदले उसका एड्रेस वेरीफाई कर दिया। जिस जगह पर मस्जिद है उसे बांग्लादेशी नागरिक का घर बता दिया, यहां तक कि बांग्लादेशी नागरिक को मध्य प्रदेश के हरदा जिले का मूल निवासी बता दिया गया। भूशाला की खुदाई में और मिले 11 पुरावशेष, सभी का आकार 4 से 5 फीट। मध्य प्रदेश के धार स्थित भूशाला में रविवार को 94 दिन का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तरी भाग में किया। यहां खुदाई के दौरान 11 पुरावशेष प्राप्त हुए, इसमें 5 पुरावशेष 4 से 5 फीट के हैं। एएसआई ने सभी पुरावशेषों को अपने संरक्षण में ले लिया। दक्षिण पश्चिम मानसून रविवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश के 26 जिलों में प्रवेश कर गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार पूरे प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला बना रहेगा। विशेषकर भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। इस दौरान इंदौर, उज्जैन में कहीं कहीं झमाझम बारिश हो सकती है। दरअसल अक्टूबर में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था, लेकिन स्टील की कमी के चलते काम पूरा नहीं हो पा रहा। सरकार की जड़ी हिलाएगी कांग्रेस विधायक, अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने कहा कि ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध उत्खनन पर लगाम नहीं लगी तो सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर सरकार की जड़ों को हिलाने का काम करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त ने कार्यकर्ताओं के साथ रोपे पौधे। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने की एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। उन्होंने छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पौधे रोपकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता एक पेड़ मां के नाम से रोपेंगे। सिवनी गौवंश हत्या मामले में महाराष्ट्र से जुड़े तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में गौवंश हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। गौवंश की हत्या के तार महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़े मिले। इस मामले में 6 अन्य आरोपियों को चिन्हित किया गया। पुलिस ने नागपुर जाकर आरोपियों के घरों में दबिश दी, लेकिन सभी इससे पहले फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, भोपाल, उज्जैन समेत इन शहरों से होकर चलेंगी कई स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, जून में रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया, जो मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार से होकर जाएंगी। वहीं उज्जैन, भोपाल, उज्जैन के मध्य भी 15-15 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो मार्ग में मक्सी, शुजालपुर, सीहोर, बसंत, हिरदा, रामनगर स्टेशन पर हाल्ट लेकर गंतव्य को जाएंगी। एमपी में आसमान से बरसी आफत, बिजली गिरने से एक महिला समेत 13 बकरियों की मौत। मध्य प्रदेश के मेहर में आसमान से आफत बरस गई। दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला समेत 13 बकरियों की मौत हुई। बताया गया कि महिला बकरी चढ़ने गई थी, इस दौरान वो काल के गाल में समा गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कामय कर जांच शुरू कर दी है। पेपरलीक मामले में बीजेपी पर भड़के जीतू पटवारी। सोशल मीडिया में एमपीपीएससी प्री परीक्षा पेपर लीक के दावे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चैन की नींद सोई है, इनकी सरकार कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। वजह बिल्कुल साफ है कि सरकार निश्चिंत है। युवाओं, अब जागो और अधिकार की आवाज उठाओ। कमलनाथ ने कहा नीट मामले पर खानापूर्ति कर रही सरकार। नीट पेपर लीक मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार की अब तक की कार्यवाही खानापूर्ति जैसी प्रतीत हो रही है। इतनी बात स्पष्ट हो चुकी है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। सरकार ने जिस तरह से एनटीए के डीजी को हटाया और परीक्षा की गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपी, उससे स्पष्ट है कि सरकार ने पेपर लीक होना स्वीकार कर लिया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। नई सरकार के गठन के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। दरअसल इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव किया जाएगा। दरअसल इस महत्वपूर्ण सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जो देश की राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यवाही पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।
सुपर आठ के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड में अभी तक दो मैच खेल चुकी है। उसने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया, वहीं दूसरे मैच में बांग्लादेश को धूल चटाई थी। अब वो सुपर 8 राउंड का तीसरा और आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। ये मैच आज 24 जून को खेला जाएगा। टीम इंडिया ग्रुप 1 में फिलहाल टॉप पर बनी हुई है। नीट यूजी एग्जाम में 1563 में से 750 छात्र नहीं पहुंचे, सीबीआई ने दर्ज की पहली FIR। नीट यूजी एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर एजुकेशन मिनिस्ट्री की शिकायत पर रविवार 23 जून को सीबीआई ने पहली FIR दर्ज की। मिनिस्ट्री से मिले कुछ रेफरेंस के आधार पर अनजान लोगों के खिलाफ IPC के सेक्शन 120B और 420 समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई। दिग्विजय सिंह ने लाडली बहनों को लेकर किया बड़ा दावा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लाडली बहनों को लेकर बड़ा दावा किया है। दिग्विजय ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत समय है, इसलिए चुनाव खत्म होते ही MP में महंगाई बढ़ गई। अभी से उपभोक्ताओं का बिजली बिल अधिक आने लगा, कुछ दिनों में लाडली बहनों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।